जबरदस्त जीत हुई है, इतिहास रचा है। रियली वेरी हैप्पी फॉर सचिन। आई कांट बिलीव इट, इंडिया जीत गई है। तीन रन चाहिए थे और सीधा छक्का मार के खत्म ही हो गया गेम। दो अप्रैल 2011, ये दिन ये रात कोई भी इंडियन नहीं भूल पाएगा। ये विजुअल्स जो अभी आपने देखे जब मैं स्पेशल के लिए निकाल रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, और सच कहूं तो आंखों से आंसू भी आए। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि 28 साल का सूखा खत्म हुआ था, 28 साल बाद टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। और आज हम आपको लेकर चलेंगे इस सफर पर जहां आप सुनेंगे इस वर्ल्ड कप की कहानी वर्ल्ड चैंपियंस की जुबानी। ऐसे एडहॉक वक्त तो बाद में करते रहेंगे, पहले विकेट ले लेते हैं। सो आई वेंट बैक, आई टुक द विकेट। जब आखिरी छक्का लगा और जब मैच जीत गए तो एक खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। हम नीचे ग्राउंड पे भी गए भाग के, और वहां पे फिर पहली बार मैं ग्राउंड पे रोया। देखो बाकियों का नहीं पता, मैं नहीं रोया, बिकॉज मुझे लगता है कि खुशी में रोने की क्या जरूरत है। लोगों का रिएक्शन देखा रोड पे तो एक्चुअली हमें पता चला कि हम लोगों ने क्या अचीव किया है। जो भी बच्चा बूढ़ा जवान इस धरती पे चलता है वो आज हमको देख के बहुत खुश होगा। हमने सबने डिसाइड किया था कि ये वर्ल्ड कप खेलेंगे, जीतेंगे पारी के लिए। बिल्कुल, उन लोग को थैंक्स बोलना चाहूंगा जिन्होंने हमारे लिए दुआएं की। मैं वही कह रहा था कि मुझे गिराओ मत, वर्ल्ड कप जीते, वर्ल्ड कप के राउंड मारते मुझे गिराओ मत। कि आपकी दुआओं से और आपकी इच्छा से आज इंडिया वर्ल्ड कप जीता है तो बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके आभारी हैं। इंडिया 2011 वर्ल्ड कप का को होस्ट था, और होस्ट होने की वजह से इंडियन टीम से एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ही ज्यादा थी। हिंदुस्तान की बेस्ट चांस है क्योंकि इनकी फॉर्म भी जबरदस्त था, होम कंडीशंस पे मैचेस हो रहे हैं, डेप्थ भी है। आधे से आधा क्या पूरा देश ये सोचा था कि एक तो हम फेवरेट हैं। I was reading one of the column was written by Brian Lara saying कि इंडियन टीम फेवरेट है, पर उनके ऊपर प्रेशर बहुत होगा। ताकत ये है कि आपके पास सात बैट्समैन जो है सारे मैच विनर है। जहां एक तरफ एक्सपेक्टेशंस थी तो दूसरी तरफ थी मोटिवेशन। मोटिवेशन क्रिकेट के भगवान को उसके हिस्से का वर्ल्ड कप जितवाने की। ऑब्वियसली उनका भी एक सपना है कि वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है इंडिया में हो रही है, और वो भी चाह रहे हैं कि ये वर्ल्ड कप ऐसा वर्ल्ड कप होना चाहिए कि जिसके लिए हमारे पास सारी उम्र अच्छी मेमोरीज हों इस वर्ल्ड कप की। पाजी जिन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए अपनी ज़िंदगी में, सिर्फ एक यही चीज़ बची थी जो कह सकते हैं कि उसमें वो सितारा नहीं था अभी तक। दो हज़ार सात में इंडियन टीम वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई थी, और अब 2011 में सचिन के पास ये एक आखिरी मौका था अपने क्रिकेटिंग करियर में वर्ल्ड कप जीतने का। 2007 में जब हम वापस आए थे वो मेरे लाइफ का क्रिकेट का लोएस्ट मोमेंट था, और उस समय एक्चुअली कहा तो माइंड में थॉट आया कि बस मुझे और क्रिकेट नहीं खेलना, मुझे रिटायर होना है। और उस समय मेरे भाई ने अजीत ने वहाँ पे घर पे हमारा डिस्कशन हुआ, और मैंने कहा कि बहुत हो गया है। उस समय उसने मुझे याद दिलवाया कि ना नेक्स्ट वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, वानखेड़े स्टेडियम पे फाइनल है, कैन यू इमेजिन तुम्हारे हाथ में वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी होगी और तुम विक्ट्री लैप ले रहे हो, वो फीलिंग कैन यू इमेजिन। 19 फरवरी 2011, भारत का मुकाबला था बांग्लादेश से, वही बांग्लादेश जिसने 4 साल पहले करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल तोड़ा था, एक ऐसी हार जो आज तक हर एक इंडियन को चुभती है। लास्ट टाइम हम लोग बांग्लादेश से हारे थे और जिसकी वजह से हम लोग बाहर हो गए थे, तो इस बार ही हमारे पास अच्छा मौका है वापस बांग्लादेश के लिए। जब खेलेंगे तो वो बात ज़रूर याद रहेगी, और मैं कह सकता हूँ कि एक रिवेंज मैच हो सकता है ये आने वाला। क्या शानदार आगाज था, वीरेंद्र सहवाग ने पहले ही बॉल से अपने इरादे साफ कर दिए, वीरू ने 175 रनों की विस्फोटक पारी खेली, विराट कोहली ने भी वर्ल्ड कप डेब्यू पर 100 जड़ा, और भारत ने बांग्लादेश के सामने खड़ा कर दिया 370 रनों का पहाड़। इंडिया ने 87 रनों से मैच जीता, वर्ल्ड कप में शानदार आगाज किया, और अब सामने थी इंग्लैंड की टीम। जिस वक्त इंग्लैंड के खिलाफ भारत की बैटिंग खत्म हुई और आपने 338 रन बनाए, कोई चांस ही नहीं था कि इंग्लैंड वो रन चेज करे।
मैं ढाका भी गया था पहले मैच में और बैंगलोर में भी था, और ढाका से जब बैंगलोर आए हैं तो इंडिया की टीम ऐसा लग रहा था कि यार ये बेस्ट बैटिंग लाइनअप है। वहाँ पर भी आपने रन बनाए इतने सारे, यहाँ पर आपने 338 बना दिए, और अच्छी बात क्या हुई कि पहले मैच में सहवाग ने 100 बना दिया, विराट ने 100 बना दिया, यहाँ सचिन ने 100 बना दिया। जवाब में इंग्लैंड ने भी अच्छी शुरुआत की, और एक स्टेज पर जिस अंदाज में एंड्रू स्ट्रॉस और इयान बेल बल्लेबाजी कर रहे थे तो लग रहा था कि इंग्लैंड आसानी से ये मुकाबला जीत जाएगा। इयान बेल की अगर आप शॉटें देखें, उन्होंने ऑन द राइज बड़ी अच्छी शॉट्स खेली, और वो इयान बेल को अगर आप बैटिंग करते देखें ना तो ऐसा लगता है सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर हैं, जिस तरह की उनकी एलिगेंस और स्टाइल था और वो अपराइट खेलते थे। इयान बेल ने जो बैटिंग की सामने स्ट्रॉस, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सपने में खेल रहे हैं, किसी ड्रीम में खेल रहे हैं। सचिन तेंदुलकर को ओवर शेडो करना उस दिन किसी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं था, और किसी ने सोचा नहीं था जिस वक्त इंग्लैंड कलैप्स किया है, वो गेम इंग्लैंड के पास चली गई थी। मैं मैदान में था और चिन्ना स्वामी का जो प्रेस बॉक्स है वो थोड़ा सा इस तरह से कि आप इस तरह प्लेयरों को नीचे देखते हैं, आपको प्लेयर दिखते हैं, स्पेशली जो लॉन्ग ऑन वाला फील्डर है वो आपको ऐसे दिखता है, लॉन्ग ऑफ वाला फील्डर ऐसे दिखता है, और आप देख सकते थे कि इंडिया चोक कर रहा है, आप देख सकते थे कि इंडिया की बॉडी लैंग्वेज डिफेंसिव हो रही है, आप देख सकते थे कि धोनी वॉज रनिंग आउट ऑफ आइडियाज, लेकिन वो जहीर खान का स्पेल। और मुझे लगता है कि अगर आप क्रिकेट देखें, बड़ा हैवीली लोडेड होता है इन फेवर ऑफ बैट्समैन, आपको याद रहता है इस बैट्समैन ने ये किया ये किया, जहीर खान उस वर्ल्ड कप में ही केम इन टू जोन फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट। उन्होंने जो सेकेंड या थर्ड स्पेल उनका था जब बेल आउट हुए, फिर उसके बाद उन्होंने लगातार विकटें ली, वहां से वो इंडिया को वापस लेकर आए। मुकाबला बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग हो रहा था, और आखिरी के दो ओवर्स में इंग्लैंड को चाहिए थे 29 रन, और इस क्रूशल स्टेज पर महेंद्र सिंह धोनी ने गेंद थमाई पीयूष चावला को। जब 49th ओवर करने आया तो दिमाग में ये था कि करना क्या है उसमें, तो पहली बॉल तो अच्छा उसने बैट्समैन बीट हुआ, पर दूसरी बॉल पर जब छक्का पड़ गया तो दिमाग ने थोड़ा काम करना बंद कर दिया था कि अब करना क्या है। सस्पेंस, ये पूरा मैच एक थ्रिलर की तरह चल रहा था। आखिरी बॉल, इंग्लैंड को जीत के लिए चाहिए 2 रन, गेंद है मुनाफ पटेल के हाथ में और स्ट्राइक पर है ग्रेन स्वॉन। मुनाफ को पूरे वर्ल्ड कप में आप देखें, ही वाज वेरी कूल, वेरी कैलकुलेटेड, और शायद ही वाज द राइट बॉलर जिसने आखिरी ओवर डाला। अब देखिए, इतनी सी क्रिकेट में होती है आपके पास गुंजाइश, वो ड्राइव पूरी तरह से नहीं लगा क्योंकि गेंद थोड़ा सा ज्यादा फुलर इन लेंथ था, स्वॉन गेंद के नीचे नहीं आ पाए और गेंद गई एक्स्ट्रा कवर में यूसुफ पठान के पास। लेकिन अगर आप उस रीप्ले को देखें, फिर से देखें और बार बार देखें, तो आप ध्यान से देखेंगे यूसुफ पठान के पास गेंद तो गई है लेकिन यूसुफ पठान ने भी गोडा नीचे लगाया है, आराम से गेंद को पकड़ा है, मतलब मैं इधर उधर ना हो जाऊं, और आराम से उन्होंने गेंद वापस कर दी है ताकि वो दूसरा रन ले जाए। इंग्लैंड के लिए बड़ा रिजल्ट था, लेकिन वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद आप ये कह सकते हैं कि इंडिया के लिए वो इट वॉज द राइट वेकअप कॉल। इंडिया के नेक्स्ट मैचेस आयरलैंड और नीदरलैंड के साथ थे। इंडिया ने मैच तो जीते बट परफॉर्मेंसेज इंडियन टीम की थोड़ी ऑर्डिनरी सी थी, लेकिन इन दो मैचेस से इंडिया को मिला इस वर्ल्ड कप का ट्रम्प कार्ड, युवराज सिंह। आयरलैंड के अगेंस्ट युवराज सिंह ने हाफ सेंचुरी जड़ी और साथ ही साथ 5 विकेट भी झटके, ऐसा करने वाले वो वर्ल्ड कप हिस्ट्री में पहले खिलाड़ी बने। मेरी तो ड्रीम थी, पर पूरे भारत की रे ड्रीम थी कि हम वर्ल्ड कप जीतें, और इसमें युवराज सिंह अगर शायद नहीं खेलते तो वो नहीं होता। अभी यूवी आएंगे, अभी यूवी शॉट खेलेगा, अरे यार अब यूवी आएगा, अब तो यार बॉस अब बजी देखना लेके जाएगा, ये भावना जो थी हम लोगों के प्रति, इन पर विश्वास था, इनके अनुसार हम लोग टेलीविजन पकड़ के बैठते थे, वी टू वेट के अभी ये लोग आएंगे और ये गेम निकाल के लेके जाएंगे। वर्ल्ड कप में युवराज सिंह इंडियन टीम के लिए बहुत बड़े मैच विनर बनकर उभरे, पर आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले युवराज सिंह प्लेइंग 11 में एक सर्टेनिटी तक नहीं थे, और पिछले एक साल में उनका फॉर्म बहुत ही ज्यादा खराब था, और बात यहां तक हो रही थी कि युवराज सिंह को शायद प्लेइंग 11 में जगह ना मिले। वर्ल्ड कप शुरू होना था, पहला मैच इंडिया का बांग्लादेश में ढाका में, उससे पहले इनके 2 प्रैक्टिस मैचेस थे साउथ में, और मैं चूंकि ढाका चला गया था और मैंने लास्ट प्रैक्टिस मैच के बाद ढाका जाके इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी जो इंडिया में थी, जिसमें धोनी से पूछा गया था कि रैना खेलेंगे या युवराज खेलेंगे 11 में, क्योंकि दोनों 11 में पहले मैच में फिट नहीं हो रहे थे। और जिस वक्त धोनी ने ये कहा था, मैं बड़ा हैरान हुआ, उन्होंने कहा कि रैना बिकॉज गेन कर लेते हैं तो उनको युवराज के ऊपर प्रेफरेंस मिलेगी। इट वॉज अ शॉकिंग स्टेटमेंट फॉर ऑल युवराज फैंस।
और युवराज का बॉडी लैंग्वेज जीरो था। वो पहला मैच खेल गए, दरअसल जो उन्होंने बैंगलोर में वो एक छोटी सी पारी खेली कैमियो, उसने उनको कॉन्फिडेंस दिया, और उसके बाद जब उनसे गेंद कराई गई तो फिर उनका कॉन्फिडेंस वापस आया। आई थिंक एक स्टेज पे जाके धोनी ये रियलाइज कर चुके थे कि अगर कॉन्फिडेंट युवराज रहेंगे तो उनको और उनकी टीम को फायदा होगा। 12 मार्च नागपुर, सामने थी साउथ अफ्रीका की टीम। सचिन ने अपने वर्ल्ड कप करियर का छठा शतक जड़ा और एक स्टेज पर इंडिया का स्कोर था 267 फॉर 1 इन 40 ओवर्स। आई रिमेम्बर कि हमारे 200 रन पे एक आउट था और लास्ट 10 ओवर में जल्दी रन बनाने के चक्कर में टीम 290 कुछ पे ऑल आउट हो गई। इंडियन टीम ने आखिरी 9 विकेट सिर्फ 29 रनों पर खोए। साउथ अफ्रीकन टीम ने बल्ले से अच्छा जवाब दिया, पर मैच एक बार फिर से आखिरी ओवर में गया। आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे और रॉबिन पीटरसन ने 2 गेंद रहते मैच खत्म कर दिया। आई थिंक उसके बाद एज अ टीम यू नो हमने डिसीजन लिया कि यू नो दिस कैन हैपन, लेकिन हम चाहेंगे कि इतने बड़े टूर्नामेंट दोबारा ऐसी मिस्टेक ना हो। हमने उस एज अ टीम उसके बारे में बात की यू नो कि ट्राई एंड वे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस, कोई टीवी ना देखे, कोई अखबार ना पढ़े। इंडिया का आखिरी ग्रुप मैच था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। इस मैच में युवराज सिंह ने अपना शानदार फॉर्म कंटिन्यू किया और एक शतक जड़ा। युवराज ने शतक तो जड़ा, बट जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो वो कुछ डिस्कम्फर्ट में दिखे। देखिए, हमें किसी को पता नहीं था कि व्हाट ही वाज गोइंग थ्रू, और हमेशा बैटिंग जाने से पहले युवी को ना वो एक एंग्जाइटी हमेशा होती थी कि वो बहुत ज़्यादा खांसता था, और हम मजाक करते थे कई बार, तो इसको बोलते थे यार तू क्या करता है, तुझे इतनी ज़्यादा मतलब खांसी आती है, क्या प्रॉब्लम क्या है? तो ये कहते हैं एंजाइटी है, मुझे मैच का वो है, प्रेशर है या व्हाट्सो एवर, पर किसी को ये खबर नहीं थी कि ये किस बीमारी के साथ जूझ रहा है और उस बीमारी को साथ लेके खेल रहा है। और उसका जो विल था वो शायद जो कहते हैं ना कि बहुत बड़ा था, और दिमाग में एक जो कहते हैं चीज़ की कुछ पाना है, कुछ करना है, वो सबसे बड़ी चीज़ उसके दिमाग में ये थी कि वर्ल्ड कप इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। 269 रन का टारगेट चेज करते हुए वेस्ट इंडीज़ एक स्टेज पर 154 फॉर 2 था। डिवॉन स्मिथ इंडियन बोलिंग अटैक को डोमिनेट कर रहे थे और एक क्रंच सिचुएशन पर जरूरत के वक्त एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी ने गेंद दी जहीर खान को, जिन्होंने लगातार टीम इंडिया के लिए टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया था। जहीर भाई ने जिस तरह से स्पेल डाला सेकंड इनिंग में, जिस तरह से डिवॉन स्मिथ ये लोग 150 और 165 फॉर 2 था, जहीर भाई ने आए, उन्होंने काफ़ी अच्छा बॉलिंग किया उस मैच में, फिर भजुबा ने अच्छा बॉलिंग किया, काफ़ी मतलब जो माहौल था उस मैच में काफ़ी, क्योंकि हम नॉकआउट की स्टेज पे बढ़ रहे थे, जिस तरह से जहीर भाई ने उसमें स्पेल डाला पुराने बॉल से, जिस तरह से नक्कल बॉल से आउट किया, तो काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद हमें सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल खेलना था। अब बारी थी नॉकआउट्स की और इंडियन टीम के सामने थी ऑस्ट्रेलिया, एक ऐसी टीम जिसके सामने इंडियन टीम हमेशा स्ट्रगल करती थी। ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी मैच थी कि ऑस्ट्रेलिया एंड दे वर प्लेइंग गुड क्रिकेट, तो उस टीम को पहले कैसे हराया जाए, उनके अगेंस्ट एक अलग प्लानिंग की ज़रूरत थी और वो प्लान्स को एग्जीक्यूट करना भी बहुत इम्पोर्टेंट था। भारत ने स्ट्रेटजी में चेंज किया, वो भारत के काम भी आई। ऑस्ट्रेलिया ने उतनी ज़्यादा अच्छी शुरुआत नहीं की, पर एक बार फिर से एक बड़े मैच में रिकी पोंटिंग ने अपनी क्लास दिखाई। नॉकआउट ले जब भारत ने क्वालिफाई किया तो उसके बाद ये बात चल रही थी अगर भारत को 2011 वर्ल्ड कप जीतना है तो उन्हें 3 M जीतने हैं, मोटेरा, मोहाली और मुंबई। और मोटेरा में मैं उस दिन था, ऑस्ट्रेलिया ने वो एक इम्पॉर्टेंट टॉस जीता उस दिन और रिकी पोंटिंग ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनके लिए खुद ये जो टूर्नामेंट था ये बहुत खासा अच्छा नहीं जा रहा था, पर जैसे बोलते हैं कमेट द आर कमेट द मैन, और रिकी पोंटिंग ने सेंचुरी लगाई थी। हालांकि बहुत ज़्यादा अच्छी इनिंग्स उनके स्टैंडर्ड से नहीं थी, हालांकि शुरुआत में ये लग रहा था कि कहीं रिकी पोंटिंग वही 2003 का फाइनल ना रिपीट कर दें, पर हुआ ऐसे कि ऑस्ट्रेलिया ने फिर भी 260, अगर हम बोल रहे हैं कि उनके स्टैंडर्ड से बहुत अच्छी उनकी इनिंग्स नहीं थी, पर वो रुके, उन्होंने सेंचुरी लगाई और अपनी टीम को एक 260 का एक चुनौती भरा, एक एटलीस्ट बोर्ड पे स्कोर लगा दिया। 260 रनों का टारगेट चेस करते हुए वीरेंद्र सहवाग जल्दी आउट हो गए, लेकिन सचिन उस दिन अच्छे टच में दिखे, उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई। 19वें ओवर में इंडिया का स्कोर था 94 फॉर 2
और अब 100 करोड़ हिंदुस्तानियों की नजरें थी थर्ड अंपायर पर। सचिन ने एक उनका एज लगा और पीछे ब्रैड हैडन ने कैच कर लिया, कॉट बिहाइंड हो गए थे शॉन टेट की बॉल पे। बड़ा रेगुलेशन सा कैच था, सब कुछ ठीक था, तो तभी देखा कि थर्ड अंपायर के पास रेफर हुआ और उसमें दिक्कत यह हो गई थी कि शॉन टेट ने उनकी जो बैक हील थी ऐसा लगा कि वो लाइन को क्रॉस कर गई है, पर उन्होंने एक्चुअली इवेंचुअली देखा कि वो जो उनकी बैक हील थी वो क्रॉस नहीं करी थी, वो हवा में ही थी। तो उसके बाद इवेंचुअली सचिन को आउट दे दिया गया था और उसी के साथ काफ़ी लोगों के, मुझे याद है, दिल टूटे थे और उसके बाद प्रेशर भी लगा। गंभीर 50 पर रन आउट, MS धोनी सिर्फ 7 रन बनाकर आउट, इंडिया का स्कोर 187/5, अभी भी 75 बॉलों में 74 रनों की जरूरत थी और क्रीज पर युवराज सिंह को ज्वाइन करते हैं सुरेश रायना। मैं बैटिंग करने गया, जब हमारे विकेट गिरने लगे, मेरी यूवी पाकी पार्टनरशिप भी तो मैं बैठा था ड्रेसिंग रूम में, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि दिस गेम विल चेंज माई फॉर्चून एंड दिस इज़ द टाइम आई हैव टू रियली रियली डू समथिंग स्पेशल फॉर माई कंट्री। तो पाजी वो सिटिंग नेक्स्ट टू मी, ही सेड आज तू जिताएगा, मुझे ऐसा फील आ रहा है। तो जब पाजी ने बोला कि मुझे इतना जोश मिला, इतना काफ़ी अच्छा लगा, जैसे मैं बॉल बैटिंग करने लगा बॉल इतना अच्छा दिख रहा था। रायना सचिन के भरोसे पर खरे उतरे और एक डिफिकल्ट सिचुएशन से मैच निकाल कर टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। विनिंग हिट लगाए युवराज सिंह ने और उनकी सेलिब्रेशन देखकर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि इंडियन टीम के लिए ये जीत कितनी बड़ी है। वो बता दिया था, उनके उनके एक्सप्रेशंस ने बता दिया था, उनके इमोशंस ने बता दिया था कि ये टीम जो है ये वर्ल्ड कप जीतने के लिए ही आई है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जैसी एक बड़ी टीम को जो जिनको बड़े मैचेस और बड़े टूर्नामेंट्स खेलने का एक्सपीरियंस और तरीका पता है जीतने का, और उनको आपने हराया, तो डेफिनेटली आप फेवरेट्स हो जाते हैं। सडनली आप फेवरेट्स हो गए थे कि जी आप ही वर्ल्ड कप जीतने के सबसे बड़े दावेदार। अब बारी थी वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मैच की, 30 मार्च 2011 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान जो मैचेस होते हैं, तो अगर आपका माइंड सेट नॉर्मल रहे, मगर आपके दोस्त सब वेल विशर्स सब आजू बाजू होते, ये मैच को जीतना। हाँ, शोएब अख्तर मुझे उस दिन नीचे मिले और मुझसे मैच के टिकट के बारे में पूछ रहे थे कि उनकी फैमिली आ रही थी, कुछ टिकट्स मिलेंगे, तो मैं उनको बोला कि हाँ टिकट मैं कर दूंगा। कहता यहाँ के कर दे, मैं बॉम्बे के तो कर ही लूँगा। मैंने कहा बॉम्बे किस लिए जा रहे हो? बोथ द प्राइम मिनिस्टर्स वर देयर एंड सिक्योरिटी वाज रियली टाइट एंड द फूड हैडंट रीच्ड द ड्रेसिंग रूम, द होल टीम वाज ओनली टॉकिंग अबाउट दैट एंड दैट्स व्हेन आई सेड कि इतनी भूख लगी है तो रन्स बनाओ और विकेट्स निकालो। इंडिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी की और आपने भी ये काफ़ी बार सुना होगा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में सबसे बड़ा फैक्टर होता है प्रेशर, वही प्रेशर जो फील्ड में उस दिन पाकिस्तान की टीम हैंडल नहीं कर पाई। एक टाइम होता था, हमने 80 का दशक देखा है, 90 का दशक देखा है, जब ऐसा लगता था कि भारत जो है वो प्रेशर फील करता है और हमेशा हमें लगता था कि यार पाकिस्तान जब भी भारत के अगेंस्ट खेलता होता है ना, पाकिस्तान थोड़ा सा आपसे आगे रहता था। अब सिचुएशन जो है वो बदल चुकी है, ये वही चीज़ इसने दोबारा दिखाई। जिस हिसाब से पाकिस्तान ने 4 कैचेस छोड़े, किस्मत भी सचिन के साथ थी। सचिन ने 85 रन बनाए, भारत को अच्छी शुरुआत मिली थी, लेकिन उसके बावजूद इंडिया पोस्ट कर पाया सिर्फ 260 रन, जिसकी एक बड़ी वजह थी वहाब रियाज का एक शानदार स्पेल। वहाब रियाज जिस तरह से उसने स्पेल डाला, जो 5 विकेट लिए, कितना काफ़ी तेज बॉलिंग कर रहे थे, रिवर्स स्विंग हो रहा था, फिर मैं जब बैटिंग करने आया तो एक टैलेंडर के साथ बैटिंग करना था, बट आई वोंट से कि टैलेंडर, बट भजूपा बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, जहीर भाई अच्छा बैटिंग करते हैं, तो वो जो इनिंग थी मुझे काफ़ी संभल के खेलना था, क्योंकि हमारे 185 पर 6 या 7 हो गया था जब धोनी आउट हुआ। तो उसके बाद मुझे ये लगा कि अभी इस टाइम पर थोड़ा पार्टनरशिप करना ज़रूरी है, प्लस थोड़ा सिंगल डबल, तो मैं वेट कर रहा था कि लास्ट के 5 ओवर में अगर हमारे पास विकेट बचेंगे तो डेफिनेटली एक होगा। तो वो जो 260 के पास जो टारगेट मिला, उसमें हमने काफ़ी अच्छा कमबैक किया। चेज करते हुए पाकिस्तान को एक सधी हुई शुरुआत मिली, लेकिन युवराज सिंह जो बल्ले से कुछ कमाल नहीं कर पाए थे, उन्होंने आकर 2 विकेट झटके और पाकिस्तान का स्कोर हो गया था 106/4। इसके बाद उमर अकमल और मिसबाह ने एक पार्टनरशिप जमाई, जिसमें उमर अकमल बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहे थे और बहुत ज़्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे, और अब एक क्रंच सिचुएशन में महेंद्र सिंह धोनी ने गेंद दी हरभजन सिंह के हाथों में, जो अपने होम ग्राउंड पर ये मुकाबला खेल रहे थे। बड़ी अच्छी पार्टनरशिप हुई थी उनकी, उमर अकमल और मिसबाह की, और ये याद है
वो काफ़ी फ्रीली खेल रहा था उमर अकमल, और उसने आके थोड़ा सा हमें लग रहा था कि ये गेम हमारे से दूर जा रहा है, और जब मुझे बॉल पकड़ाया गया भाई, मुझे आप पता नहीं आपको ध्यान है या नहीं, मैं सहम गया था क्योंकि हालत वैसी थी, क्योंकि मैच किसी भी उस तरफ जा सकता था, इधर या उधर, और जैसे इतना बड़ा मैच है और जब आपके ऊपर बारी आ जाती है तो आप ऐसे हो जाते हो कि अच्छा करना तो मुझे ही है, पर भगवान अब तू शक्ति दे। तो पर वो लकीली वो पहली बॉल पे विकेट मिला उमर अकमल का, और मेरा जो था वो बोल्ड हुआ था जी, बिल्कुल बोल्ड हुआ था। मुझे पहले लगा LBW, हाँ जी राउंड द विकेट, मुझे पहले लगा LBW, मैंने अपील किया तो धोनी पीछे से भाग के आ रहा था, मैंने कुछ तो हो गया फिर देखा बोल्ड हुआ है। 2007 T20 वर्ल्ड कप फाइनल की तरह मिसबाह उलक यहाँ भी अकेले पड़ गए। भारत ने मुकाबला जीता और फाइनल में अपनी जगह बनाई, जहां अब सामना था श्रीलंका से। तारीख 2 अप्रैल 2011। फाइनल के दिन टॉस के वक्त कुछ ऐसा हुआ जो शायद क्रिकेट हिस्ट्री में इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। सिक्का उछला है और टॉस इसने जीत लिया है या नहीं जीता है, और सिक्का दोबारा क्यों उछल रहा है? तो कभी कभी ऐसा हुआ है कि टॉस हुए हैं लेकिन वो टेलीवाइज नहीं हुए या ब्रॉडकास्टर, बहुत साल पहले की बात है, तो वो दोबारा हो जाता, किसी को पता नहीं चलता। ये तो शोर में पता नहीं चला, और श्रीलंका चाहता इशू बना सकता था, हालांकि अच्छी बात ये हुई कि श्रीलंका ही दोबारा टॉस भी जीत गया, और आई थिंक टॉस जीत के उन्होंने सही फैसला भी किया। प्रेशर इंडिया पे था, आई थिंक फॉर अ चेंज फाइनल वाले दिन इंडिया पे प्रेशर था, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस बहुत थी। आप वानखेड़े स्टेडियम में खेल रहे थे, अपने घर पे खेल रहे थे, रिकॉर्ड भी आपके अगेंस्ट था, तब तक कोई भी होस्ट नेशन वर्ल्ड कप जीता नहीं था, और जैसे जैसे संगाकारा और जयवर्धन आगे बढ़ रहे थे और उनकी जो एक वो था ना, उनकी जो आदतें थी पारी को बड़ी पारी में तब्दील करने की, वो इंडिया को डरा रहे थे। फाइनल्स में जब यहाँ पे आए बॉलिंग करने, तो एक क्रूशल पार्टनरशिप थी वो यूवी ने ब्रेक की थी, संगाकारा को कॉट बिहाइंड करना। एक एंड से विकेट्स गिर रहे थे लेकिन महिला जयवर्धने अपने एंड पे बहुत ही फ्लुएंट बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने एक आउटस्टैंडिंग शतक जड़ा जिसकी बदौलत श्रीलंका ने बोर्ड पर लगाए 274 रन, और इतने रन एक बड़े मैच में किसी भी टीम को परेशान करने के लिए काफी थे। टेंशन था एंड नर्वसनेस तो बिल्कुल था, वो तो होगी, एक टेंशन भी था कि एक अच्छी टोटल थी वो चेज़ करनी थी, मगर एक कॉन्फिडेंस भी था क्योंकि हम अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे और वही उसी स्टाइल को कंटिन्यू रखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट। अब इंडिया को ज़रूरत थी एक अच्छी स्टार्ट की, लेकिन हुआ उसके उल्टा। सहवाग पहले ही ओवर में 0 पर आउट, और जब 31 पर इंडियन टीम ने दूसरा विकेट खोया, वो भी सचिन तेंदुलकर का, तो पूरे वानखेड़े में मानो सन्नाटा सा छा गया। मैं एक्चुअली यहीं पे बैठा था वर्ल्ड कप फाइनल के टाइम, मुझे याद है मैं यहाँ पे बैठा था, मेरी किट बैग सामने थी और वीरू मेरे साथ बैठा हुआ था, तो मैच ऑब्वियसली हमारे 2 विकेट गए, तो उसके बाद वीरू और मैं यहाँ पे बैठे थे और पार्टनरशिप होने लग रही थी, तो वीरू को मैंने यही कहा कि वीरू यहाँ से तो उठ नहीं रहा है, जो भी हो जाए ये जगह नहीं छोड़ रहा है। गौतम गंभीर एक एंड पर संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, और अब उनका साथ देने क्रीज पर आते हैं विराट कोहली। जब आपने 2 जल्दी विकेटे खो दी हैं और आप 270 चेस कर रहे हो, तो पार्टनरशिप्स इंपॉर्टेंट थी, और यही सोच रहे थे कि पार्टनरशिप अगर करते रहेंगे, बिकॉज इतना अच्छा विकेट था, पार्टनरशिप करते रहेंगे और अगर हम 30-35 ओवर तक खेल सकते हैं, तो जिस तरीके के हमारे पास फायर पावर थी उसके बाद, तो हम ये मैच जीत सकेंगे। दिलशान ने अपनी ही गेंदबाजी पर एक आउटस्टैंडिंग कैच कर विराट कोहली को आउट किया, 83 रन की पार्टनरशिप टूटी, भारत का स्कोर था 114/3। सबको उम्मीदें थी कि क्रीज पर आएंगे एक इनफॉर्म युवराज सिंह, लेकिन हुआ उसके उल्टा। So promoting and not getting runs, I knew what the questions would be. You know, why I promoted myself? Why couldn't I stay back? You know, if I promoted myself, it meant you know there were 2 left-handed batsmen you know after me. 2011 वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी बल्ले से अब तक पूरी तरह से फ्लॉप थे, लेकिन एक बड़े मैच, बड़े फाइनल में उन्होंने एक डेयरिंग कॉल ली और उनके पास उसको बैक करने के लिए लॉजिक भी था। It was an honest decision and said, I said, you know, if Gautam is batting really well. If I go in right now and if I get to rotate and you know I had no clue that time that there was due onto the field and with I played a lot with Muralidharan you know I know his dusra quite well which he knows also so I was able to put a
bit of pressure on him. Gautam Gambhir ने एक सूझबूझ भरी पारी खेली, एक ऐसी पारी जिसकी उम्मीद एक टीम को अपने नंबर तीन बल्लेबाज से होती है, और गंभीर वैसा ही कुछ क्रीज पर एक्सिक्यूट कर रहे थे। देखो कहना तो नहीं चाहिए, बिकॉज कई बार ऐसा होता है जब आप नंबर तीन पे खेल रहे हो और आपको टाइम मिले बाहर बैठने का तो आप बहुत चीज़ें सोचते हो, बट ऐसा हुआ नहीं, बिकॉज जैसे मैं पैट कर रहा था उसी टाइम वीरू आउट हो गए, तो मेरे को सोचने का एक्चुअली टाइम ही नहीं मिला। ये देश के लिए अच्छा नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं पर्सनली मेरे लिए इसलिए अच्छा था क्योंकि मेरे को सोचने का टाइम नहीं मिला कि क्या करूँ क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बिकॉज बाय द टाइम मैंने रियलाइज़ किया मैं अंदर फील्ड में था, और जब आप फील्ड में उतर जाते हो तो आपके पास सोचने का टाइम नहीं होता, फिर आप सिर्फ बॉल देखते हो और उसको रिएक्ट करते हो। गंभीर और धोनी ने फोर्थ विकेट के लिए सेंचुरी पार्टनरशिप लगाई, और फाइनली महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से रन्स भी निकले, और शायद ये रन्स उस वक्त आए जब इंडियन टीम को इन रन्स की सबसे ज्यादा जरूरत थी। हमने वर्ल्ड चैंपियंस की तरह बैटिंग की, आई थिंक माही और गौतम की जो पारी थी उन्होंने ऐसे बैटिंग की जैसे वो कोई नॉर्मल इंडिया का मैच खेल रहे होते, तो आई थिंक ऐसी सिचुएशन में ऐसी बैटिंग करना इज क्वाइट कमेंडेबल। गंभीर शतक से सिर्फ तीन रन दूर थे, लेकिन तिसारा परेरा ने उन्हें बोल्ड कर दिया मैच में एक और ट्विस्ट, क्योंकि अभी भी इंडिया को 52 बॉलों पर 52 रनों की जरूरत थी। देखिए आज से मतलब उस दिन से अगर 10 साल पहले ये मैच हुआ होता या 15 साल मैच पहले हुआ होता तो आपके हाथ पैर कांपते, पसीना आता, लेकिन 2011 के ये जो 52 गेंद में 52 रन की तैयारी इंडिया ने 2005 या 6 से करनी शुरू कर दी थी। आपको याद होगा 2005 एंड और 6 से वनडे क्रिकेट उठाए इंडिया की, धोनी और युवराज की जोड़ी ने ऐसे ऐसे मैच आपको जिताए हैं और वो ख़त्म करके आते थे, तो चूंकि दोनों ऐसे बैट्समैन थे अंदर, युवराज जा रहे थे और धोनी खड़े थे और धोनी की स्कोर थी उस वक्त, तो आपको पता था यार ये ऐसे नहीं है कि छोड़ के आ जाएंगे, ये ख़त्म करके आएंगे। युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर थे, रन्स बड़ी ही आसानी से आ रहे थे। 48वें ओवर की दूसरी बॉल, नुवान कुलसेकरा टू MS धोनी, और इसके बाद क्या हुआ ये शायद मुझे आप लोगों को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। वो महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी जो छक्का था देखा? मैंने नहीं देखा, मुझे लगता नहीं वीरू ने भी देखा क्योंकि उसको मैंने उठने नहीं दिया था, मेरा तो यहीं पे बैठ। लास्ट के 4 रन या 5 रन बचे थे जब छक्का लगाया, तो वो जब 4 रन बचे तब मुझे एहसास हुआ कि अब हम लोग जीतेंगे ही जीतेंगे, तो मैं धीरे से सीढ़ियों के नीचे उतरना शुरू हो गया और मैंने किसी को देखा नहीं पीछे क्योंकि सब फिर मेरे को वापस बुला ले। मैं थोड़े बीच विकेट तक था, then I went for that side, I said युवराज पास है वो उधर से विकेट ले लेगा, then I came back, I said हग वक्त तो बाद में करते रहेंगे पहले विकेट ले लेते, so I went back, I took the wicket and तब तक ये आ गया था छाती पे चढ़ गया था सर पे मार रहा था। और जब हमने शोर सुना तो ऑब्वियसली पता लग गया था, मैं नीचे गया और मैं बस भागना चाहता था फील्ड पे क्योंकि इतनी एक्साइटमेंट बिल्ड हो चुकी थी, इतनी मतलब अंदर से वो आवाज आ रही थी कि मतलब हम लोग वर्ल्ड चैंपियन होने वाले हैं। मेरा पहला रिएक्शन था, मेरे किट बैग थी सामने, वहाँ पे मैंने सारे भगवानों के फोटोज लगाए हुए हैं वहाँ पे, तो मैंने जस्ट मैं प्रे कर रहा था, तो मैंने जस्ट थैंक यू कहा फॉर सचिन तेंदुलकर फॉर द होल ऑफ इंडिया, थैंक यू गॉड। ये थी कहानी उस जीत की जिसने 28 साल का सूखा खत्म किया, सचिन के साथ साथ पूरे इंडिया का सपना पूरा हुआ। इस स्पेशल पर अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें, ऐसी ही स्टोरीज अगर आप और चाहते हैं तो मुझे सोशल मीडिया के थ्रू बताएं, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजाएं।